नवंबर के बाद नीतीश कुमार जी का पता नहीं चलेगा और यहाँ हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए का सफाया निश्चित तौर पे होना तय है। पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए को बहुमत दिलाएगी, नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में चुनावी संग्राम तेज हो चुका है। एनडीए को जहां नीतीश कुमार और मोदी की जुगलबंदी से आस है, वहीं महागठबंधन सत्ता विरोधी लहर पर सवार है। लेकिन चुनावी बिसात पर शह और मात के इस खेल में सबसे ज्यादा दांव पर नीतीश कुमार की ही साख है। हम क्या बताएं, मतलब यही उम्मीद है कि बाहर है नीतीश कुमार जी का, अच्छा काम भी किए हैं, सड़क वगैरह बिजली वगैरह व्यवस्था दुरुस्त किए हैं, इन शब्दों के साथ। कहते हैं सत्ता का खेल कभी थमता नहीं है। क्रूर कोरोना के इस काल में यूं तो बिहार में 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक तीन चरणों में मतदान होगा, लेकिन इस चुनाव का चक्रव्यूह काफी पहले से तैयार हो रहा है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों और छात्रों से लेकर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत तक हर संभव मुद्दे पर हुई राजनीति दरअसल बिहार की चुनावी बिसात से ही प्रेरित रही है। पिछले कुछ दिनों में बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष की नई खेमेबंदी भी हुई और कुछ नेताओं ने अपने खेमे ही बदल लिए हैं और इन्हीं के साथ तेजी से बदल गए हैं बिहार चुनाव के मुद्दे भी। नीतीश बिल्कुल निकम्मे की सरकार है, बताइए, इतना बाढ़ आ गया, सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया, आज तक उसके तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई, खाने का वो भिखमंगे की तरह व्यवस्था कर दी गई, हो गया। पिछले चुनावों में जाति समीकरण के बूते ही राजनीतिक दल सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार का नया दांव खेल दिया है। उधर नीतीश कुमार की जेडीयू ने भी पलटवार करते हुए अपना जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, उसमें बिहार में रोजगार और युवाओं पर फोकस है। नीतीश कुमार के चुनावी विजन डॉक्यूमेंट में युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के अलावा तकनीकी संस्थानों को और बेहतर करने पर जोर दिया गया है। हालांकि बिहार में बाढ़ की तरह ही हर चुनाव में रोजगार एक अहम मुद्दा रहा है, लेकिन राज्य का चुनावी इतिहास गवाह है कि यहां वोट जाति के आधार पर ही पड़ता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस चुनाव में रोजगार के मुद्दे से तेजस्वी कर सकेंगे विपक्ष का संहार। 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और ये वादा नहीं है, मजबूत इरादा है। एक ऐसा बिहार था जिसमें किडनैपिंग ही रोजगार था, ऐसे बिहार के निर्माण के लिए तेजस्वी यादव जी पहले ही कैबिनेट में 10 लाख तमंचे खरीदेंगे, उनको अपने गुर्गों में मुर्गों में बांटेंगे और फिर एक बार किडनैपिंग की रोजगारी शुरू होगी। ये नहीं चाहिए बिहार को, अरे बिहार बदला है, ये क्रांति की भूमि है, ये ऐसी भूमि है जिसने परिवर्तन लाया है, जिस परिवर्तन ने देश को दिखा दिया कि बिहार की आवाज कभी बंद नहीं हो सकती, लोकतंत्र की आवाज बंद नहीं हो सकती। बिहार में जो मुद्दा होगा, देखिए हमेशा मुद्दा तो विकास का मुद्दा होता है, रोजगार तो अस्थाई भाव से है, बिहार में बाढ़ की अस्थाई समस्या है और जो पूरे देश में बिहार आज जहाँ खड़ा है आर्थिक रूप से अभी भी वो सबल राज्य नहीं है, तो एक विकसित बिहार बनाना एक ही मुद्दा है। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जातीयता का जितनी गहरी पैठ है, सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। अब मतदाताओं की गोलबंदी जाति आधार पर होती है, तो यूँ आप कहें कि एक तरफ नीतीश कुमार हैं तो दूसरी तरफ उनके विरोधी मतों के हिसाब से राजद का कुनबा होगा, तो ये इसी इर्द गिर्द में चुनाव होगा। जिस पानी में मैं खड़ा हूँ ये इस वक्त के बिहार की हकीकत है और ये एक जिले की बात नहीं है, लगभग सभी जिलों के हालात ऐसे ही हैं। आप तस्वीर देखिए, ये जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें देखकर शर्म आनी चाहिए कि ऐसी तस्वीरें हैं। बिहार में बाढ़ का पानी अभी उतरा नहीं है, ऊपर से कोरोना महामारी भी खतरे की घंटी बजा रही है, लेकिन चुनाव का बुखार अब नेताओं के सर चढ़कर बोलने लगा है। नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार, अब की बार।
के नारे के साथ जहां तेजस्वी यादव ने एक तरह से मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित कार्ड फिर खेल दिया है। दलित परिवार में हत्या होने पर परिवार के सदस्य को नौकरी देने की घोषणा कर नीतीश कुमार ने बिहार का चुनावी मुद्दा सेट करने की कोशिश की है, लेकिन नीतीश के इस दांव पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने दलित और नौकरी शब्दों में से नौकरी को पकड़ लिया। तेजस्वी ने कहा, हत्या चाहे किसी की हो, नौकरी सबके लिए जरूरी है। तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी और सरकार के रोजगार देने में नाकामी को अब अहम मुद्दा बना दिया है। आरजेडी ने बेरोजगारी हटाओ नाम से एक पोर्टल भी बनाया और बेरोजगारों को इस पोर्टल से जुड़ने की अपील की है, लेकिन ये तय होना अभी बाकी है कि नौकरी और दलित में असली चुनावी मुद्दा कौन सा है। अब नई सरकार बनेगी तो नई उम्मीद है, नया रोजगार मिलेगा। इस सरकार में भी कारखाना एक भी नहीं लगा है बिहार के नीतीश कुमार की सरकार में। तो ये बताइए, नीतीश को हटा के किसको बना देंगे? तेजस्वी आएंगे। तेजस्वी में क्या ऐसा खास है? तेजस्वी अब नया युवा है, नेता है, रोजगार देने के बहुत पहल चल रहा है, कई बार बाढ़ पीड़ित में आ चुके हैं, देख चुके हैं। अच्छा, उन्होंने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की भी बात कही है। हाँ, ये तो कहे हैं 10 लाख नौकरी देने के लिए। देखिए, अब सरकार बनेगी तब उनका कोई बात होगा। क्राइम रुका है? किस फैक्टर पर नीतीश कुमार का गवर्नमेंट हुआ? क्राइम कंट्रोल पर। आज का है, आज कैसा है आप लोग बताइए, आप लोग पूरा घूमते हैं देखते हैं। इस समय का क्राइम फैक्टर और नीतीश कुमार शुरू शुरू में हुए थे उस समय के क्राइम फैक्टर में अंतर है कि नहीं है, बताया जाए। वो तो उल्टे कहते हैं, लालू के टाइम में जंगल वाले ना। तो अभी कैसा है, अभी क्राइम ग्राफ देखा जाए, आज 10 बरस से क्राइम ग्राफ देखा जाए, 5 बरस ठीक था, हम लोग भी मानते हैं। बिहार चुनाव में आरजेडी का फोकस युवाओं और बेरोजगारों पर है, यही वजह है कि तेजस्वी यादव युवाओं को केंद्र में रखकर बयान देते नजर भी आए हैं। तेजस्वी ने दावा किया है कि 5 अगस्त को उन्होंने जो बेरोजगारी हटाओ पोर्टल बनाया था उसमें 9,47,324 बेरोजगारों ने पंजीकरण किया है। उनका ये चुनावी वादा भी है कि अगर उनके गठबंधन की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में ही पहली कलम से बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और ये सभी स्थायी नौकरियां होंगी। नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज गायब हैं। क्यों गायब हैं? किसने गायब किया है? समान काम समान वेतन की उनकी वाजिब मांग को क्यों नहीं माना गया? आप देखिएगा, शिक्षकों का 2 लाख से अधिक पद जो है रिक्त है, इन पदों पर अस्थाई और संविदा पर ही बहाली करने को इच्छुक है। जो रिक्त पद है उसमें क्यों नहीं स्थाई परमानेंट जो है उन लोगों को जो है नौकरी दिया जाए? पुलिस कर्मियों का लगभग जो है 50,000 से अधिक पद जो है वो रिक्त है। हमने कल भी पूछा था कि लगभग 4.5 लाख अलग अलग विभागों में, अलग अलग विभागों में जो है नौकरियां रिक्त है 4.5 लाख। और वो कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार आने के बाद पहले कैबिनेट में साइन करके 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। मैंने पता किया, मैंने कहा भाई ये कौन से 10 लाखों लोगों को रोजगार देंगे, ये कैसे रोजगार देंगे, इनके पास क्या आइडिया है? तो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो एक ने मुझे बहुत सुंदर तरीके से बताया, उन्होंने कहा जी उनका दिमाग में पक्का है, वो 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाले, उसकी स्कीम पक्की है, पहले कैबिनेट में 10 लाख तमंचे खरीदने का ऑर्डर दिया जाएगा और बिहार में फिर एक बार रोजगार कौन सा मिलेगा? किडनैपिंग का रोजगार, लूटमार का रोजगार। बिहार चुनाव में नौकरी के मुद्दे पर घमासान मच गया है। आरजेडी ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया है कि वो मूर्ख कुएं के नकारात्मक मेंढक हैं जो कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां देना संभव नहीं, यहां तो पूरा खाका तैयार है। एनडीए ने 15 साल में सिद्ध कर दिया है कि उनके बस का झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं। दरअसल बिहार में रोजगार एक बड़ा और अहम मुद्दा रहा है, लेकिन चुनाव में जाति समीकरण के आगे ये फेल भी होता रहा है। हालांकि कोरोना काल में राज्य में बेरोजगारी का स्तर 46% से ज्यादा पहुंच चुका था, क्योंकि यहां पक्का रोजगार करने वाले महज 12% लोग हैं और बाकी खेती या कारोबार से जुड़े हैं।
तेजस्वी यादव ने बिहार में नौकरियों का खाका पेश करते हुए कहा कि बिहार में 4.5 लाख खाली पद पहले से हैं। उनका कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह सहित दूसरे विभागों में राष्ट्रीय औसत और तय मानकों के हिसाब से बिहार में अभी भी 5.5 लाख नियुक्तियां फौरन किए जाने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के मुताबिक 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन बिहार में 17000 की आबादी पर एक डॉक्टर है। इस हिसाब से बिहार में करीब 1.25 लाख डॉक्टरों की जरूरत है। डॉक्टरों के अनुपात में ही नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट जैसे सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए और इस तरह स्वास्थ्य विभाग में ही करीब 2.5 लाख लोगों की जरूरत है। बिहार में पुलिस जवानों के 50000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। तेजस्वी का कहना है कि बिहार में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 77 पुलिस कर्मी हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत के हिसाब से 1 लाख की आबादी पर 144 पुलिस कर्मी होने चाहिए। इस हिसाब से राज्य में 1,26,000 पुलिस कर्मी हैं, जबकि 1,72,000 पुलिस कर्मियों की जरूरत है। एक तरफ नौकरी की किल्लत तो वहीं मजदूरों के पलायन ने भी रोजगार की हालत खराब कर दी है। बिहार में 32 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की मौजूदगी ने नीतीश सरकार की चिंता बढ़ा रखी है। ऐसे में रोजगार का मुद्दा एनडीए की जीत में रोड़ा बन सकता है। कि जूनियर इंजीनियरों के भी 66% पद क्यों खाली हैं बिहार में? जूनियर इंजीनियर जितने हैं लगभग 66% पदे जो है वो खाली है। एक अपने 15 साल में एक भी मल्टी स्पेशलिटी जो है हॉस्पिटल का निर्माण इन्होंने नहीं किया है। आप देखिएगा इलाज के लिए आज भी जो लोग हैं बिहार के लोग हैं बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। शिक्षा के लिए जो है पलायन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, पलायन क्यों नहीं रोका आपने? स्वास्थ्य विभाग में कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले 3/4 पद खाली है, ऐसा क्यों? ये वंशवादी पार्टियों के राजकुमार क्या जानता है, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी में एक दिन भी ईमानदारी की मजदूरी ना कमाई हो उनको एक क्या जानता है? रोजगार मिलने में आना सुख और बेरोजगारी का दर्द, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जैसा जमीन से उठा व्यक्ति ही समझ सकता है, जिसने गरीबी को करीब से देखा है और संघर्ष को जिया है। रोजगार के मोर्चे पर बिहार कितना बदला या बदल रहा है, इसका अंदाजा CMIA के इन आंकड़ों से भी हो जाता है। सितंबर 2020 में भारत में बेरोजगारी दर जहां 6.7% थी, वहीं बिहार में 11.9%, जबकि साल 2017-18 में बिहार में बेरोजगारी दर 9% थी। साल 2018-19 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक बिहार के 45.1% लोगों को, 16.3% को कंस्ट्रक्शन और 11.8% लोगों को छोटे बड़े कारोबार से रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 2019 तक बिहार में करीब 33,076 लोगों को रोजगार मिला है, जबकि राज्य के रोजगार कार्यालय में करीब 26,80,000 लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है। बिहार में करीब 40,649 डॉक्टर हैं, यानी 2,639 लोगों पर एक डॉक्टर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, यही हाल पुलिस महकमे का भी है। राज्य में 1,40,767 पुलिस के पद स्वीकृत हैं, जबकि राज्य में कुल 86,639 पुलिसकर्मी हैं और पुलिसकर्मियों के 54,125 पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में भी साल 2019-20 में शिक्षकों के 76,440 पद स्वीकृत हुए, जिनमें से 35,266 पद खाली पड़े हैं, यानी 46% शिक्षकों के पद खाली हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल में भी 28,128 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 16,946 पद खाली पड़े हैं। बिहार में यह हाल नौकरियों का है और अगर बात मजदूरों की करें तो हालात और भी बदतर हैं। लॉकडाउन के दौरान करीब 40 लाख प्रवासी मजदूरों को काम गंवाकर घर लौटना पड़ा था। नए मनरेगा कार्ड के मामले में भी बिहार दूसरे नंबर पर है। पिछले 5 महीने में यहाँ 11,22,000 नए जॉब कार्ड बने हैं, यानी बिहार में इतने बेरोजगार और बढ़ चुके हैं।
जाहिर है चुनावी मौसम में बिहार में रोजगार के ऐसे हालत राजनीतिक दलों को आपदा में अवसर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बेरोजगारों और युवाओं के वोट में सेंध लगाने के लिए तेजस्वी ने चला है 10 लाख नौकरियों का बड़ा दांव।